अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत एसटीईटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि वो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसमें कुछ घालमेल हुआ है। देखिए, बिहार या देश कोई भी एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है, मुझे लगता है कि सरकार की पॉलिसी से ज़्यादा हॉबी होती है बड़ी बड़ी माफिया, एजुकेशन जो माफिया हैं, हब हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, कोटा में, ये लोग तय करता है क्वेश्चनायर को, चीज़ों को। पटना में सरकार नफ़त में रहते हैं, ये लोग आगे रहते हैं, ये लोग नफ़त में रहते हैं। और मुझे लगता है कि लगभग एग्ज़ाम इस हिंदुस्तान में मैनिपुलेटेड है। आप यूपीएससी बीपीएससी किस कहीं चले जाइए, लगभग उसके जो सेक्रेटरी हैं, चीज़ें हैं, वो मैनिपुलेटेड करता है। बिहार के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, कभी भी सिपाही बहाली में, टीचर्स बहाली में क्वेश्चन को आउट होना, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना, सरकार को जो मन में आता है वो करता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये कोचिंग माफिया इन्वॉल्व हैं कंप्लीट टॉप टू बॉटम। वो स्कूल कौन होगा, स्कूल तय करेंगे, पूरा स्कूल को हायर होगा, करोड़ों में स्कूल हायर होगा, स्कूल के भीतर क्या करना है वो तय होगा, इस कौन माना एवरीथिंग सेटअप। आप मिडिल क्लास और कॉमन क्लास के बच्चे को आप भूल जाइए, किस वो सक्सेस कर पाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी परसेंटेज होगी भी तो बहुत मिनिमम होगा। मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर जो मिडिल क्लास एक है वो बेच करके कुछ देता है तो फिर किस कोई स्वरूप बनता है। और बिहार तो आप समझिए नवरत्न है नीतीश बाबू के, बिहार के एजुकेशन के मामले में आप इतना ही समझिए कि कंप्लीट कोलैप्स है। यहाँ के बच्चे कैसे बाहर जाते हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। मैं समझता हूँ कि बहुत फेयर आवश्यकता है, वैकेंसी के साथ 15 दिनों के अंदर एग्ज़ाम और ठीक 15 दिनों के अंदर रिजल्ट आउट करके उसकी ज्वाइनिंग। एक सवाल था दरोगा बहाली को लेकर के, साल भर 3 महीना बार्गेनिंग चीज़ें और एग्जामिनेशन भी कंप्लीट, सीसीटीवी कैमरा, एक एक चीज़ फेयर हो, भीतर में बाहर में चीज़ें फेयर हो। लेकिन बिहार सरकार हर चीज़ में अपने फायदे की बात करता है, उसके पदाधिकारी हर चीज़ में लूटने और कमाने की बात करता है। जब एक बार एसटीईटी के मामले में कमिश्नर का बयान आ गया कि परीक्षा कंप्लीट फेयर हुई है, उसके बाद उसको डिले करके उसको कैंसिल करना, इसका मतलब है फेयर एग्जामिनेशन के चलते बच्चे वो इसमें कमा नहीं सके और सरकार की बंधी भी रहती है जिसके चलते बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दी। या कुछ जगह बच्चे यदि कहीं छोटी मोटी घोटाला हुई भी तो वो सेंटर को कैंसिल करने का निर्णय हो गया और पुनः एग्जामिनेशन की बात आ गई तो फिर क्या दिक्कत हुई कि नए एग्जामिनेशन या प्रोसेस की बात आप कर रहे हो या उसको कैंसिल कर दिए। तो बार बार बच्चों के भविष्य का, अब जब आचार संहिता लगेगी इस सरकार को आप शुरू से उठा के देख लीजिए, जब भी चुनाव का समय आता है तब ये बड़े लेवल पर आवास करना शुरू करते हैं, वैकेंसी निकालना शुरू करते हैं और उस वैकेंसी से लगभग मैं समझता हूँ करोड़ों रुपया ये सरकार को आमदनी होती है, क्योंकि ये कंगाल सरकार। और फिर
वो वैकेंसी चुनाव के बाद तक चली जाती या फिर ये होता है कि चलो मैं आपके लिए कर रहा हूँ अहवास करना है। तो कंप्लीट रूप से यह सरकार एजुकेशन के प्रति, आपको भी पता है कि लक्ष्य है, यहाँ के प्रतिभावान बच्चों के प्रति यह सरकार बहुत बड़े दुश्मन है। एक सब के छात्र कई बार प्रदर्शन किए हैं, आप भी जानते हैं, तो उसमें सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, ये बात तो उठाई थी। तो सीबीआई जांच में जब चला जाएगा, एक बिहार सरकार के मंत्री ने भी आश्वासन दिया था मगर वो नहीं जा पाई, वो सबूत मांग रहे थे। तो छात्रों का कहना था कि हमारे पास टाइम टू जो वायरल पेपर हुआ है उसमें सबूत भी है, मगर क्या सीबीआई के यहाँ जाने के बाद सत्यता सामने आएगी? भैया, जन अधिकार छात्र परिषद ही इस मामले को सभी अलग अलग दरोगा अभ्यर्थी के साथ मिलकर बड़े लेवल पर आंदोलन किया था। इस सवाल को हम लोग उठाए थे, सड़क पर आए थे। पप्पू यादव हर मुद्दों के साथ खड़ा होता है जो इस देश के भविष्य के निर्माण करने वाले बच्चे हैं, और आप उसकी जिंदगी छीनते हो, उम्मीदों को खत्म करते हो, तो वहाँ हम खड़े हो। एक सवाल और है पप्पू यादव जी, मीडिया को लेकर के कुछ चैनलों को नोटिस आया, ज़्यादा खबरें नहीं चलाने के लिए बोला गया दरोगा अभ्यर्थी को लेकर। सर, पहली बात मेरा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जब सीबीआई इंक्वायरी की मांग बच्चों की है, सरकार नहीं करना चाहती है, तो सर्वोच्च न्यायालय या पटना राजधानी के हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे कि इसको सीबीआई इंक्वायरी इसकी हो। जहाँ तक सवाल है किसी को धमकी देना, किसी चैनल को रोकना, तो गवर्नमेंट हर स्तर पर मैनिपुलेशन करती है, साम दाम दंड भेद। जो चैनल है, सोशल साइट है, सोशल मीडिया है, यदि वो फेयर हो तो वह किसी भी धमकी की परवाह नहीं करती है, अपने लगातार प्रगति के साथ वो बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर परिस्थिति में निर्भीकता के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो अलग अलग बड़ा दर्पण है उसको काम करना चाहिए बिना भय और डर के, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक है। ये बात कर रहे थे हम जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव जी से, इन्होंने एसटीईटी और दरोगा अभ्यर्थी पे उन्होंने अपना समर्थन दिया है उन छात्रों के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, तमाम खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए।